अब यहाँ पर कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक चीज पोस्ट करी थी जहां पर ZBox Magnus एक प्रीबिल्ड मिनी ITX बेस्ड पीसी था, वो डील पर आया हुआ था। नॉर्मली जो उसकी प्राइसिंग होती है ना वो 1,10,000 रुपए के आसपास होती है, लेकिन अमेजोन पे अगर आप आज की डेट पे भी जाते हो ना तो वो आपको लगभग 85,000 रुपीस का बिकता है। अब ये पीसी 85,000 रुपीस का होने के साथ साथ ये कैसा एक्सपीरियंस देता है? मिनी ITX है तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत तो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं तो होंगे। कहां पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है और अगर आप इस पीसी के साथ जाते हो तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये सब देखने के लिए मैंने इस पीसी को खरीद लिया। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी पीसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे आपको ये पीसी लेना चाहिए या नहीं। वेल, तो अगर आप भी इसी टॉपिक पर इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पिक्सल गेम्स डॉट स्टोर। अगर आप यहाँ पर चीप में विंडो 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पिक्सल गेम डॉट स्टोर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपए में और रिटेल की 1350 रुपए में देखने को मिल जाती है। और भाई अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब करके और कूपन कोड दिया हुआ जाकर चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो में जो हम लोग प्रीबिल्ड पीसी रिव्यू करने वाले हैं वो आता है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से ZBox Magnus। ये जो वेरिएंट है ना वो i5 3060 वेरिएंट है। इसका एक और वेरिएंट आया था जहां पर आपको i7 RTX 3070 के साथ देखने को मिलता है। तो कीप दैट इन माइंड, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना वो i5 RTX 3060 वाले पीसी के बारे में ही है। i7 के साथ हो सकता हो थोड़ा सा आपका अलग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊँ ना तो बॉक्स में यहाँ पर आपको पीसी देखने को मिलता है जो कि टू बी ऑनर्स बहुत ज्यादा छोटा पीसी है। साइड में यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है जहाँ पर आपको ढेर सारे मैनुअल, वाईफाई एंटीना और पावर कॉर्ड देखने को मिल जाती है। पीसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना तो भाई ये पीसी एक बहुत ही स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला पीसी है, यानी कि मिनी ITX बेस्ड पीसी है। और फॉर द रेफरेंस साइड में मैंने यहाँ पर राइजन 9 का डब्बा रखा हुआ है। हालांकि राइजन 9 से काफी बड़ा ये पीसी है, लेकिन इससे आप यहाँ पर समझ सकते हो ये पीसी ना बहुत ज्यादा छोटा है। अगर आपके पास स्पेस की कमी है या आपके पास उतना स्पेस नहीं है कि आप फुल फ्लैश कैबिनेट रख सको तो ये पीसी ना एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको इस पीसी में जो देखने को मिलती है वो काफी अच्छी है। चारों तरफ मेटल का यूज किया गया है। RGB लाइट बिल्कुल भी यूज नहीं करी गई है, केवल पावर बटन ही ग्लो होता है। यहाँ पर जो आपको चारों तरफ पैनल्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर मेश डिजाइन देखने को मिलता है ताकि स्मॉल फॉर्म फैक्टर होने के साथ साथ एयर फ्लो इस पीसी में काफी अच्छे सा बना रहे। अब एयर फ्लो कैसा रहता है, कितने अच्छे से यहाँ पर हीट ट्रांसफर होती है उसके बारे में हम लोग वीडियो के थोड़ा देर में बात करेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, यहाँ पर आपको कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता। अब इस पीसी को डिसअसेंबल करना ना यानी कि खोलना बहुत ही ईजी है, इनकेस अगर आप कुछ अपग्रेड करना चाहते हो। पीछे साइड पे यहाँ पर आपको दो स्क्रूज खोलने पड़ते हैं और खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप उंगलियों से खोल सकते हो। दो तो यहाँ पर पैनल को स्लाइड करना है एंड गेस व्हाट, आपका पीसी खुल जाता है। अब आप ZBox का कोई भी मॉडल लेते हो ना वहाँ पर आपको रैम और SSD प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलती। आपको पीसी लेने के बाद वो दो चीजें ना अलग से लेनी पड़ती हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर रैम लगती है ना वो लैपटॉप वाली रैम है, डेस्कटॉप वाली रैम इस पीसी में नहीं लगती है। रैम का SSD का इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर सकते हो। अब जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यहाँ पर प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं लैपटॉप वाली रैम यूज करी गई है, तो यहाँ पर आपको लैपटॉप वाला प्रोसेसर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लैपटॉप वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करते हैं कंपैरिजन टू डेस्कटॉप बेस्ड प्रोसेसर के। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको डेस्कटॉप बेस्ड प्रोसेसर ही देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो हम लोग यूनिट रिव्यू कर रहे हैं ना वहाँ पर हमें देखने को मिलता है Core i5 10400 जो कि F वेरिएंट से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है। और इनकेस अगर आप चाहो ना फ्यूचर में अपने प्रोसेसर को अपग्रेड करना तो भी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली चीज ये है तब हो सकता हो आपकी वारंटी भी वॉइड हो जाए। बाकी बैक साइड में यहाँ पर आपको आपका ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल देखने को मिल जाता है जो कि है RTX 3060। हालांकि आप चाहो ना तो इस ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड भी कर सकते हो इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक 8-पिन पावर कनेक्टर देखने को मिल रहा है। अब ये ओवरव्यू हो गया हमारे ZBox Magnus पीसी का। अब यहाँ पर हम लोगों ने ना SSD और RAM को इंस्टॉल कर लिया था, इस पीसी को बिल्कुल फुल फ्लेज बना दिया था। अब देखना ये था कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर हम लोगों ने पीसी को स्टार्ट कराना तो मैं ये चाहता था इसके बायोस में देखा जाए कि हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
क्या हमें ओवरक्लॉकिंग वाले फीचर देखने को मिल रहे हैं कि नहीं, तो यार बायोस में जाने के बाद हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ी। यानी कि यहाँ पर जो आपको बायोस देखने को मिलता है ना, वो सीपीयू ओवरक्लॉकिंग तो दूर दूर तक सपोर्ट नहीं करता, इवन रैम ओवरक्लॉकिंग भी सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि अगर आप चाहो कि XMP प्रोफाइल का यूज़ करके फ्रीक्वेंसी को थोड़ी सी रैम की बढ़ा लो ना, तो आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स केवल 2666 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम को ही सपोर्ट करता है, आप उसे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। एक बार यहाँ पर हमारा पीसी स्टार्ट हो जाता है, अब यहाँ पर मुझे ना एक चीज़ सबसे पहले चेक करनी थी कि भैया इसके टेम्परेचर्स कैसे हैं, क्योंकि भाई स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले जितने भी पीसी होते हैं ना, उनके टेम्परेचर्स बहुत गंदे हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा सीपीयू हैवी टास्क करते हो, स्पेशली गेमिंग। यहाँ पर हम लोगों ने फिर स्ट्रेस टेस्ट चलाया है, 15-20 मिनट स्ट्रेस टेस्ट चलाने के बाद ना यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला है वो है केवल मिड 60s का, यानी कि 65-66 के आसपास। हालांकि कभी कभी हमारी पीक ना 70 डिग्री के आसपास गई है, जो कि मैं मानता हूँ मिनी ITX फॉर्म फैक्टर के हिसाब से काफी अच्छे टेम्परेचर्स हैं। सीपीयू थ्रॉटलिंग जैसा इशू आपको यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इस पीसी में मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी है, वो है इसका वाईफाई। यहाँ पर जो आपको वाईफाई देखने को मिलता है ना, वो डुअल बैंड वाला वाईफाई है। अगर आप पीछे वाले एंटीना को इंस्टॉल कर देते हो ना, और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट चलाया, तो मैक्सिमम स्पीड में वाईफाई के थ्रू 350 Mbps की देखने को मिली, और वही वायर्ड कनेक्शन में हमें मैक्सिमम 360 मेगाबिट की स्पीड देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हो वाईफाई के थ्रू भी आप काफ़ी अच्छी स्पीड अवेल कर सकते हो। प्रोसेसर जो यहाँ पर यूज़ किया गया था वो था कोर i5-10400। हमने उस पर भी Snapdragon 415 चलाया ताकि हम लोग वेरीफाई कर सके क्या हमें सच में उतने ही परफॉर्मेंस मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कम परफॉर्मेंस मिले। तो यहाँ पर मैंने Snapdragon 415 चलाने के बाद दूसरे 10400 से कंपेयर किया, तो यहाँ पर जो हमें जितना भी स्कोर मिला ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल था, सीपीयू परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में कि ये पीसी हमें गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा प्रोवाइड करता है। अब गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे गेम्स चलाए हैं, जैसे कि GTA 5, Red Dead Redemption 2, Battlefield 5 और भी बहुत सारे गेम। उन सब गेम्स को चलाने के बाद ना यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ तो वेरीफाई कर ली कि हमें जो गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है वो फुल फ्लेज गेमिंग पीसी जितना ही हमें देखने को मिलेगा अगर आप उस पीसी में भी RTX 3060 यूज़ करो। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, सीपीयू परफॉर्मेंस हो या गेमिंग परफॉर्मेंस हो, परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर ना अब एक सवाल उठता है, क्या ये पीसी अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करता है या नहीं? आपके पास अगर 85,000 रुपीज़ के आसपास है, आपको इस पीसी को लेना चाहिए या उसी प्राइस रेंज में रहते हुए आप एक बेटर पीसी बिल्ड कर सकते हो? यहाँ पर आंसर ना बिल्कुल सिंपल है। 85,000 रुपीस हैं अगर आपके पास और आप पीसी बिल्ड करने जाते हो ना, RTX 3060 की प्राइस ही ना आजकल मार्केट में 70,000 रुपीस के आसपास है। और फिर जब आप यहाँ पर एक प्रोसेसर लेते हो, मदरबोर्ड लेते हो, पावर सप्लाई लेते हो और कैबिनेट लेते हो ना, तो भाई ओवरऑल कॉस्ट जोड़ते हो तो वो 110,000 रुपए के आसपास बन जाती है। और ये पीसी अगर आप मार्केट में लेने जाते हो तो 110,000 रुपए के आसपास ही देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हो वैल्यू के मामले में ना वो बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन अगर आप Amazon पे जाते हो तो वहाँ पर आपको 85,000 रुपीस के आसपास मिल रहा है, तो आप यहाँ पर 25,000 रुपीस के आसपास सेव कर रहे हो। तब Zotac का Z-Box Magnus आपको मच बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो आप में से जो लोग एक ऐसा पीसी चाहते हैं जो कि स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला हो, परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, हीटिंग इशू ना दे और गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया दे और इजिली मार्केट में मिल जाए ना, तो आप लोग Zotac के Z-Box Magnus के साथ जा सकते हो। ये आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। वही दूसरी तरफ अगर आप इस पीसी के 110,000 रुपए पे कर रहे हो ना, तो भाई मैं तो सीधा सीधा रिकमेंड करूंगा कि प्री बिल्ड पीसी लेने से अच्छा है आप एक डेडिकेटेड बेहतरीन गेमिंग पीसी बिल्ड करो यार। वहां पर आप अपनी मर्जी के पीसी पार्ट्स यूज कर सकते हो और आपको किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि आपको मिनी ITX फॉर्म फैक्टर वाला पीसी चाहिए हो, तब आप इस पीसी को भी कंसिडर कर सकते हो। बाय द वे, आप में से जो लोग इस पीसी को खरीदने में इंटरेस्टेड है, स्टिल आज की डेट पे डील चल रही है, जाकर आप Amazon को चेक कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप खरीद सकते हो, आपको काफी अच्छा वैल्यू आज के टाइम पे ये पीसी प्रोवाइड कर देगा। वेल तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।